हेल्थ स्टूडेंट, आज की हमारी 10th चैप्टर की थ्योरम है। ये हमारे पास सर्कल है, उसका सेंटर है ओ और एंगल दिया हुआ है हमारे पास एंगल ओ पी ओ क्यू 110 पी टी एंड क्यू टी आर द टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स। हमने फाइंड आउट करना है एंगल पी क्यू टी। प्रूफ के अंदर जो हमारी टेंजेंट होती है और रेडियस होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। तो ये हमारी ओपी रेडियस होगी, पीटी हमारी टेंजेंट होगी, तो एंगल ये बन जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली ये हमारी रेडियस होगी, ये हमारी टेंजेंट होगी, ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो इसलिए हमने प्रूफ में लिखना है एंगल ओ पी टी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। पी टी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स और रेडियस हमेशा ही एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हम लोग लेंगे क्वाड्रिलेटर पी टी क्यू ओ। इसमें हमारे सम ऑफ द एंगल 364 एंगल ओ पी टी एंगल पी ओ क्यू प्लस में एंगल ओ क्यू टी प्लस में एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360। इनकी वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 110, इसकी वैल्यू 90 डिग्री, ये हमने निकाल दी है। तो एंगल ओ पी टी इक्वल टू 360 माइनस 290, एंगल पी टी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। सेम हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे पास पी ए और ए पी बी दो टेंजेंट हैं। आपको ये एंगल दिया हुआ है ए पी बी 80 डिग्री। हमने एंगल निकालना है पी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल, और आपने निकालना है एंगल दूसरे नंबर पर ओ बी पी, ये एंगल आपने निकालना है। इसको निकालने के लिए अब हम चलते हैं आगे। पी ओ ए हमने निकालना है, पी ओ ए ये एंगल निकालना है। अब हम ये सारा पूरा का पूरा एंगल निकाल लेंगे सबसे पहले, उसमें से फिर ये फाइंड आउट करेंगे। ये दो ट्रायंगल लेंगे हम ओ ए पी ओ बी पी। इसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी ये हमारी रेडियस है, और एक सर्कल की रेडियस बराबर होती है पी ए बराबर में पी बी, ये हमारी टेंजेंट्स हैं। ओ पी बराबर में ओ पी, दोनों में कॉमन है, तो ट्रायंगल क्या होगी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट ट्रायंगल होने से एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे बराबर। ये पूरे एंगल ए ओ बी का 1/2 हो गए। अब हम लोग निकालेंगे एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 180, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 80 डिग्री। 80 को उधर ले जाएंगे, एंगल ए ओ बी हो जाएगा 100 और एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 1/2 of 100, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऐसे हम एंगल निकालते हैं। इस पर बेस्ड आपने सर्कल की थ्योरम्स करनी है। डेट्स ऑल।